स्वागत है आप सभी का हाइड्रोग्राफी पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, चीता धरती का सबसे तेज जानवर है और ये पलक झपकते ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, किंतु अपनी एक विशेषता आपके दूसरे गुणों को कम कर देती है। पतला और हल्का शरीर होने के कारण ही चीता इतनी तेज से दौड़ पाता है, किंतु ये पतला और हल्का शरीर चीता को अन्य बड़े जानवरों की तुलना में कम शक्तिशाली भी बना देता है। यही वजह है कि चीता अपने कुलाचे मारते हुए कम समय में तेजी से दौड़कर पकड़ लेता है, किंतु उस शिकार को मार डालने के लिए इसे बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। यदि चीते द्वारा पकड़ी गई गजल या इम्पाला कुछ ज़्यादा ही बड़े और ताकतवर हुई तो उल्टा चीता के ही जान के लाले पड़ जाते हैं। यही इस वीडियो ये वीडियो चीता कई दिनों से शिकार करने की तलाश में थी। सिर्फ यही नहीं, इसके छोटे बच्चे भी भूख से व्याकुल थे, इसलिए दौड़ लगाती हैं और एक बड़े वैश्यक नर को पकड़ लेती हैं। इसके छोटे शव शिकार के लिए अपनी माँ की मदद करता है, किंतु एक बड़े आकार का नर इम्पाला इससे अधिक ताकतवर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास अपनी रक्षा के लिए करीब 3 फीट लंबा और बेहद नुकीले सिंग भी होते हैं। इम्पाला अपने बचाव में मादा चीता पर हमला बोल देता है, जिस हमले को एक कमज़ोर मादा चीता संभाल नहीं पाता है और इम्पाला बहुत दूर तक चीता को घसीटते हुए लेके जाता है और इसका एक सिंग मादा चीता के पेट में उखड़ चुका है। बेचारी ये चीता अपनी घायल अवस्था में अब शिकार नहीं कर पाएगी। एक अन्य वीडियो में भी आप एक घायल टांग वाले चीता को देख पा रहे होंगे। ये भी छोटे सबकों वाली मादा चीता हैं और इनकी एक टांग घायल है। इनका अर्थ यह है कि अब ये तेज़ी से नहीं दौड़ पाएगी और शिकार भी नहीं कर पाएगी, बल्कि ना सिर्फ ये खुद, इनके छोटे शवक भी भूखे मर जाएंगे। वैसे भले ही ये शवक भूख के चलते मर जाएंगी, किंतु चीता शवकों को लिए बड़ा खतरा शेर होते हैं। शेर अक्सर छोटे चीते पर हमला करते हैं और बेचारों को मार डालते हैं। हालांकि केवल ये तभी होता है जब शेर चीता के शवकों को काफ़ी नज़दीक से देख ले और पहचान ले। कुछ परिस्थिति में अक्सर छोटे चीते शवकों पर दूसरे शिकारी हमला करने पर कतरते हैं, जिनकी वजह है शवकों का हनीवेजर जैसा दिखाई देना। छोटे चीता शवकों के कमर सफ़ेद फरस से ढकी होती हैं और इनके नीचे का शरीर बड़े चीतों की तुलना में गहरी रंग का होता है, जिस कारण चीता के ये छोटे शवक दूर से देखने में हनीवेजर जैसा लगता है और अपना सरल रूप का इन्हें बड़ा फ़ायदा होता है। असल में हनीवेजर एक ऐसा जानवर है जिस पर हमले करने से पहले शेर भी कई बार सोचना पड़ता है। आपने तो कहावत तो जरूर सुना होगा, दूध का जला छांक को भी फूंक मार मार कर पीता है। मानो कभी गर्म चाय पीने से आपका हाथ जल जाए तो आगे से गर्म प्याला पकड़ने से पहले सावधानी बरतती होगी। हनीवेजर को भी आप एक ऐसा गर्म प्याला समझने का प्रयास करें। जीव के हिंसक वर का परिणाम जंगल में रहने वाले सभी जीव भुगतते रहते हैं, इसलिए सभी जीव हनीवेजर से सावधान रहते हैं, फिर चाहे वह शेर क्यों ना हो। असल में हनीवेजर की त्वचा काफ़ी मोटी और मजबूत होती है, इसलिए किसी बड़ी शिकारी द्वारा इसे काटने का प्रयास असफल ही रहता है। वही अपनी सुई जैसे नुकीली दांत से हमला करते हुए एक साथ कई शेरों को खदेड़ देता है। अब चाहे हनीवेजर जैसे खतरनाक जानवर के डुप्लीकेट का फ़ायदा चीता के शवक जरूर मिलता होगा। चीता के छोटे शवक करीब 6 महीने तक हनीवेजर जैसे दिखाई देते हैं और इसके बाद इनके कमर के ऊपर वो सफ़ेद वाला उतर जाते हैं और एक चीता शवक चीता जैसे ही दिखाई देते हैं। लगता है कि दोस्तों, भले ही चीता के छोटे शवक हनीवेजर जैसे दिखाई दें, किंतु इनके बावजूद भी चीते के 17% शवक बड़े हो पाते हैं, बाकी 83% किसी बीमारी के कारण या शेरों का शिकार बनकर मारे जाते हैं। यदि कोई बड़ा चीता भी शेरों के पकड़ में आ जाए तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार देते हैं, और यदि उसके शवक भी हो तो बेचारे मासूम शवकों के साथ भी वही किया जाता है। देखते ही देखते इससे मासूम और प्यारा जीव को कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है और शेरों को इतने छोटे चीता शवकों से कोई ख़तरा भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी शेर इन्हें मार डालते हैं क्योंकि शेर चीता से बदला लेना चाहता है। क्योंकि मौका मिलने पर बड़े चीता शेरों के छोटे शवकों को मारने से पीछे नहीं हटता है, शायद इसलिए भी शेर चीता के शवकों को मारकर अपना बदला पूरा करता है। शायद आपको लगता होगा कि बदला लेने की ही भावना केवल इंसानों में ही होता है, किंतु ऐसा नहीं है। बदला लेना जानवर को भी भली भांति जानता है। हमारे ही देश के महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में बंदरों के द्वारा बदला लेने का हाल ही में घटना देखी गई थी। महाराष्ट्र के भीड़ जिले में मजाल गांव में बंदरों के एक समूह ने बदला लेते हुए एक या दो नहीं करीब 250 कुत्तों को मार डाला था। ग्रामीणों के मुताबिक बंदरों ने कुत्तों से बदला लेने का सिलसिला तब शुरू किया जब कुछ कुत्तों ने मिलकर एक बंदर के बच्चे को मार डाला था। इस घटना से बंदर गुस्सा गए और वे बदला लेने के लिए एक एक करके कुत्तों को मारना शुरू कर दिया। बंदर कुत्ते को देखते ही मिलकर हमला करते कुत्ते को पकड़कर घसीट कर ले जाते। उसके बाद उस कुत्ते को पेड़ या छत पर ले जाकर गिरा देते थे जिससे बेचारा कुत्ता मारा जाता। सोचिए सिर्फ एक बंदर का बदला लेने के लिए इन बंदरों ने 250 कुत्ते को मार डाला। ऐसा अनोखा बदला तो किसी इंसानों ने नहीं लिया होगा। बाद में वन विभाग के टीमों ने करीब दर्जन बंदरों को पकड़कर जंगलों में छोड़ दिया लेकिन तब तक बंदरों का गांव सभी कुत्तों को मार डाला था। वैसे शेरों के अंदर चीते को मार डालने का भावना बदला लेने के लिए ही नहीं पैदा हुआ, ये तो प्रकृति की देन है। शेर वैसे तो तेंदुओं को भी मारते हैं, लकड़ भंगे आदि को भी। असल में आपके इलाके में आपके प्रतिद्वंद्वी कम होंगे, आपका जीवन जीना आसान हो जाएगा। किंतु चीतों के जीवन से एक और समस्या जुड़ी है, अनेकों बार इन बेचारों का शिकार भी छीन लिया जाता है। चीते दोबारा शिकार करने का प्रयास लगभग तेंदुओं जितने ही सफल होते हैं। चीता जहां दौड़ लगाने में माहिर है वहीं तेंदुआ घात लगाने में, किंतु ताकतवर तेंदुआ अपने शिकार करते ही अपने शिकार को लेकर ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है जहां वे अपने शिकार को सुरक्षित बैठकर खा सकता है। किंतु चीते पेड़ में चढ़ने में इतने माहिर नहीं होते जिस कारण इसे अपना शिकार जमीन पर ही खाना पड़ता है। और जमीन पर लकड़भंगों शेर एवं तेंदुओं के साथ चीतों के शिकार छीनने के लिए बैठे रहते हैं। दोस्तों अन्य शिकारी द्वारा शिकार छीन लेने और मारे जाने के कारण बिल्ली के बड़े प्रजाति के नाम से जाना जाता है जिसके ऊपर बड़ी गंभीर रूप से लुप्त होने का खतरा मंडा रहा है। पूरी दुनिया में चीता केवल अफ्रीका में ही बचे हुए हैं। इनके लुप्त हो जाने के खतरे को ध्यान में रखकर ही कुछ चीते को अफ्रीका से लाकर भारत में बसाया जाने का प्रयास शुरू है, समयों से किया जा रहा है। भारत से चीते का विलुप्त होने से 7 दशक से भी ज़्यादा हो चुके हैं और वापस चीते का मारा भारत लाने के काफ़ी प्रयास किया गया है लेकिन नहीं हो पाया है। आज इस समय पहली बार किसी शिकारी जानवर को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में बसाया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत में चीता पुनर्निवास को मध्य प्रदेश के घास के मैदानों में संरक्षणों के रूप में किया जा रहा है। ये घास के मैदान कई प्रजातियों का है घर है लेकिन पिछले कई दशकों से यहाँ घास चरने वाले जानवरों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यदि चीता भारत लाया गया और मध्य प्रदेश के इन घास के मैदानों में छोड़ा गया और चीता छल्लागे भरता रहा तो निश्चित तौर पर जानवरों की खाद्य श्रृंखला में संतुलन बढ़ जाएगी। वैसे चीता का आते ही भारत दुनिया का एक लौता ऐसा देश बन गया है जहां बड़ी बिल्ली की सभी प्रजातियां जैसे शेर बाघ चीता और तेंदुआ पाया जाएगा। जीव विविधता के रूप में हमारे पास एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चीता एकमात्र ऐसी बड़ी बिल्ली की प्रजाति है जो शेरों की तरह दहाड़ती नहीं पर लंबी कदम के कारण विश्व की सबसे तेज दौड़ने वाली जीव है। और अगर मैं बता दूं तो चीता केवल दिन में ही शिकार करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ इडियोग्राफी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, तब तक बाय बाय।